मुख्यमंत्री तीर्थ योजना अंतर्गत द्वारकापुरी के दर्शनों के लिए स्पेशलिस्ट यात्रियों का स्वागत स्थानीय नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय, उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत के द्वारा पुष्प मालाओं से कर सभी की मंगल यात्रा की कामना की गई। अनूठी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसके अंतर्गत हमारे पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों पर हमारे जो आशीर्वाद दाता है उनको तीर्थ दर्शन कराई जाती है। इसी तारीख में नागदा नगर से द्वारकापुरी के लिए 39 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उसके लिए आप सभी हमारे आशीर्वाद दाताओं को शुभकामनाएं बधाई। मैं आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सर तीर्थ जाने वाले को नमन करती हूँ। आशा करती हूँ कि बहुत बहुत अच्छा तीर्थ हो, मेरी ओर से मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। नगर के सभी वरिष्ठ नागरिक माता और भाई बंधुओं को सभी को मेरा नमन, और आपकी यात्रा अच्छे से पूरी हो और इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कि आप वहाँ जाके उनके लिए प्रार्थना करना। मेरी बहनों और भाइयों सभी को अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, जो कि ये मुख्यमंत्री योजना आप लोग यात्रा करने जा रहे हैं, ये तो बहुत ही कठिन बात है और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के सौभाग्य कि आप लोग तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देंगी। आप लोगों की भी यात्रा सुखमय हो इसके लिए धन्यवाद। जय आप लोग सभी अच्छी तरह से यात्रा करना और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी दवा करना कि आने वाला टाइम में वापस वही मुख्यमंत्री बने जिसे ये सिलसिला चलता रहे, और आप सबको तीर्थ यात्रा में बहुत बधाई। जी चेतन जी सत्याराम जी उपस्थित आप सब हमारे आशीर्वाद दाता माताओं बहनों उपस्थित मेरे पिता तुल्य समस्त तीर्थ यात्रीगण माता तुल्य तीर्थ यात्री माताएं आप सबको सर्वप्रथम तो भगवान द्वारकाधीश इस यात्रा पर जाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। परमपिता परमेश्वर से भगवान द्वारकाधीश से कामना करता हूं कि आपकी यह यात्रा बहुत अच्छी सुंदर मंगलमय हो, जोरदार हो। वैसे तो यह यात्रा मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी तरह से कराते हैं कि अभी तक जितने भी लोग जाकर आए हैं वो सब अपना अनुभव बताते हैं। अभी शुरू शुरू वाली यात्रा जो अजमेर गई थी उसके बाद जब हमारे मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग यात्रा करके आए थे उन्होंने जो वृत्तांत बताया हमको कि भैया यहाँ से हमको अजमेर ले गए, अजमेर से बाद वहाँ पर जाते ही बस खड़ी थी, बस से वहाँ पर हमको दरगाह पर ले गए, दरगाह के बाद वहाँ पर हमको पूरा दिखाया घुमाया। उसके बाद भी आसपास भी जो इतने पर्यटक स्थल थे और जो देखने लायक चीज़ें थी वो सब बस में व्यवस्था करवा के बिठाई। गाड़ी पर जाते ही हर आदमी का अलग अलग सीट नंबर होता है, अपनी सीट पर पूरी रिजर्व सीट रहती है, उसके ऊपर पानी से लेकर नाश्ते से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था सरकार की होती है। सरकार के आदमी आपके साथ जाते हैं, नगरपालिका का आदमी भी कोई एक आध साथ में जाएगा। पूरी ट्रेन है कि पूरी यात्रियों की अपनी ही ट्रेन रहती है पूरी, वो यात्रा जब जाएगी वहाँ पर गंतव्य स्थान पर, वहाँ से यदि दूरी होगी तो आपको बस से लेके जाएंगे मंदिर पे, मंदिर पे पूरा दर्शन वर्शन करा के आपको सब लोगों को व्यवस्थित पूरा और भी आसपास को देखने की चीज़ होगी तो वो दिखाएंगे। उसके बाद पूरा जो शेड्यूल है उस हिसाब से आपको लेके आएंगे। यात्रा बहुत अच्छी होती है, जब तक अभी तक जितने भी लोग गए हैं सब बहुत अच्छी प्रशंसा करते हैं। मध्य प्रदेश के अकेले ऐसे पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह की योजनाएं प्रारंभ की। पूरे इसमें कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, कोई समाज का बंधन नहीं, कोई धर्म का बंधन नहीं, कोई ये नहीं कि बीपीएल कार्ड वाला चाहिए कि एपीएल कार्ड वाला चाहिए। इसमें केवल इतनी सी बात चाहिए कि आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए और आपने इस योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया हो। 60 साल की उम्र होना चाहिए और अभी तक आप इस योजना में तीर्थ दर्शन में नहीं गए हो, केवल इतनी सी बात होना चाहिए। यदि आपकी 65 साल से ज़्यादा उम्र है और आपकी चलने फिरने की स्थिति नहीं है, आप कमज़ोर हैं, तो आप अपने साथ एक 18 से 50 साल का व्यक्ति का कोई भी साथ में अटेंडर भी लेके जा सकते हैं। पति पत्नी दोनों यदि जाने चाहते हैं तो उसमें से किसी भी एक की 60 साल की उम्र होगी, दूसरे की 60 साल की नहीं होगी, तो भी वो दोनों जा सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी योजना है। अपने इस मध्य प्रदेश की योजना को देखकर राजस्थान के
और अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी इस तरह की योजनाएं चालू करी, मगर मेरा दावा है कि जितनी सफल योजना मध्य प्रदेश की है उतनी कोई भी योजना नहीं है। इसमें की योजनाएं बहुत अनेकों अनेक योजनाएं हैं। 29 तारीख को दिन इसी योजना के तहत मुख्यमंत्री जी की योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पर सामूहिक विवाह सारे समाजों का, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, उसको हमेशा अपन जैसा करते हैं। आप सबकी जानकारी में 29 अप्रैल आखा तीज के दिन सामूहिक विवाह भी मुख्यमंत्री जी के इस योजना के अंतर्गत हम करने वाले हैं। आपके घर में भी सामूहिक विवाह में ऐसी कोई कन्या हो, आपके परिवार में, आपकी कोई रिश्तेदारी में जो मध्य प्रदेश की निवासी हो, वो विवाह करना चाहते हो, तो 29 तारीख का हमारा विवाह है। रजिस्ट्रेशन हमारा नगर पालिका में चालू हो चुका है, कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हो करा ले। आप सबसे केवल इतनी सी निवेदन करूंगा कि जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि इन सब योजनाओं को चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है, तो यदि सरकार ही नहीं रहेगी तो सब योजनाएं फेल हो जाती है। इसलिए लगातार 3 बार से इस प्रदेश में अच्छी अच्छी योजनाएं चलाकर मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी हैं। हम सब चाहते हैं कि 2018 में शिवराज सिंह जी वापस मुख्यमंत्री बने, तो 18 के बाद लगातार 5 साल तक हम जैसे लोगों को, हम जैसी जो छोटी कन्याएं हैं उनका, जिनका जो कन्याओं का विवाह करना है उन कन्याओं का विवाह हो, मुख्यमंत्री लाडली योजना चलती रहे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलती रहे, और 183 तरह की जो मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब चलती रहे। हम गरीबों को जिनके पास मकान नहीं है उनके मकान बनते रहे, हम जिन गरीबों के पास जिनके पास प्लॉट तो है मगर मकान नहीं है उनको 2.5 लाख रुपए मिलते रहे। इन सब योजनाओं को चलने के लिए केवल और केवल एक चीज की जरूरत है, वो है सरकार की। आप सब द्वारकाधीश भगवान से ये भी प्रार्थना करना है कि वापस 2018 में शिवराज की सिंह जी की सरकार बने और 2019 में मोदी जी की सरकार बने, तो हम सब लोगों का कल्याण हो, इस देश का कल्याण हो, इस प्रदेश का कल्याण हो और नगर का कल्याण हो। आपके नगर में भी अशोक जी मालवीय के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, सब अच्छे अच्छे काम नगर पालिका में हो रहे हैं। 1352 लोगों को तो हम 2.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, 2500 लोगों को हम मकान बना के देंगे, वो सब भी जब ही जारी रहेंगे जब यहाँ पर अशोक जी होंगे, वहां पर शिवराज जी होंगे, आगे मोदी जी होंगे। इसलिए आप सबको लोगों के लिए भगवान द्वारकाधीश से यह जरूर कामना करना ये सब योजनाएं हम सबका लाभ मिले, इसलिए ये सब योजनाएं चलती रहे, इसलिए ये सब लोग अपने अपने स्थान पर वापस सरकारें बनाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यात्रा पर जा रहे हैं यात्रियों को मेरे वार्ड नंबर 16 की ओर से मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं। जाने वाले सभी आशीर्वादों को नमन, और हमारे अध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी सज्जन भैया, हमारे पार्षद साहब को प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा है, हमारा प्रयास रहता है कि नागदा नगर के हमारे आशीर्वाद दाताओं को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मैंने पूर्व में भी भाई चेतन मिमरोड जी से एक दिन निवेदन किया था कि गवर्नमेंट कॉलोनी में कई हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद दाता है जिनकी संख्या लगातार इन यात्राओं में कम रहती है। मैं कहा आप प्रयास करो और ज्यादा से ज्यादा हमारे आशीर्वाद दाताओं को उनके फॉर्म भरवाओ और उस योजना से जोड़ें, क्योंकि जब तक शासन की योजना तो चल रही है लेकिन जब तक हम जनप्रतिनिधि सक्रिय होकर हमारे वार्ड के आशीर्वाद दाताओं को इन योजनाओं से नहीं जोड़ पाएंगे, जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या यात्रा और कैसे संचालित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पूरी यात्रा की विशेषता है कि नागदा नगर पालिका से तो हमारा अधिकारी कर्मचारी जाते ही है, शासन के भी विभिन्न अधिकारी रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, वॉलेंटियर रहते हैं, और जैसे ही ट्रेन में आप बैठेंगे उसके बाद पूरी आपकी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की होती है। आप मुख्यमंत्री जी के मेहमान हैं, उनका कर्तव्य रहता है कि आपको किंतु मात्र भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि आप सब बुजुर्ग लोग हो, वृद्धावस्था है, कई प्रकार की आप दवाइयां भी लेते होंगे, शरीर से भी कुछ कमजोरी रहती है, और इतनी अच्छी यात्रा करवाना अपने आप में गौरवपूर्ण काम है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इन यात्राओं के माध्यम से कुछ पुण्य कमाने का लाभ हमें मिलता है। हमारे कर्मचारी अधिकारीगण भी मुझे लगातार बताते रहते हैं, अभी सीताराम जी ने बताया कि अध्यक्ष जी 32-33 लोगों का चयन हो गया और 9 वेटिंग में है। हमने उज्जैन भी बात की कि किसी भी हालत में जो वेटिंग में है 9 हमारे आशीर्वाद दाता, उनका वापिस सिलेक्शन हो जाए और हमारी संख्या बढ़ के
40 से 42 हो जाए या 39 हो जाए। यदि अगर कहीं कैंसल भी होता है तो हमारा सबसे पहला प्रयास रहता है कि नागदा के लोगों को उनका लाभ मिले। दूसरा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस यात्रा के दौरान किसी भी स्टेशन पे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको किसी भी स्टेशन पे उतरना नहीं है जब तक हमारे अधिकारी और हमारी टोली समूह के जो ग्रुप के सदस्य रहे वो जब तक नहीं बोले हमको नहीं उतरना, भले ट्रेन 2 घंटे खड़ी रहे। क्या होता है, एक बार मुझे अच्छी तरह से याद है, वैष्णो देवी माता जी की यात्रा थी, हमारे सीताराम जी और यहाँ से लेके गए और इतने परेशान हुए और आखिर में 6 घंटे बाद उन यात्रियों को, 2 लोग रह गए थे, उन यात्रियों को लेके वापिस पहुंचे। तो बाहर का सफर है, नागदा नगर का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, मध्य प्रदेश के आसपास हम सब लोग जाते हैं, लेकिन बाहर के सफर में फिर ट्रेन से आपको ढूंढना फिर पहुंचाना, इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि एक साथ रहे, एक समूह के साथ रहे, अपने घर से अपना वोटर आईडी वो जरूर जेब में रख के जाए, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड लेके जाए, 2 फोटो लेके जाए, अपने घर के मोबाइल नंबर लेके जाए, संभव हो तो मोबाइल जिनके पास हो वो लेके जाए, और एक परिवार के तरह अब आप यहाँ से जा रहे हैं तो उस ट्रेन के अंदर जब बैठेंगे तो नागदा के जितने भी आशीर्वाददाता एक परिवार के रूप में रहे। अपने को जो भी स्नेह रहता अपन बाहर जाते कोई नागदा के मिल जाते देखो कितनी खुशी होती है। तो आप सब लोग साथ में जाए और साथ कुशल और सुरक्षित यात्रा करें। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और इस पूरी यात्रा का आपको लाभ मिले और नागदा नगर में आप सबके आशीर्वाद से नागदा नगर लगातार प्रगति की ओर अग्रसर रहे। मेरा एक सेवक होने के नाते हमेशा प्रयास रहता है कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का 100% आप सब लोगों को मैं लाभ पहुंचा सकूं, ये मेरा कर्तव्य भी है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस काम को करने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार पुनः आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना, आपको सभी को यात्रा की मंगल कामना, आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सबको साथ में लेकर चलना होगा, एक फोटो वो टिकट में लगेगा, फोटो आपका, ओढ़ने बिछाने क्या क्या सामान चाहिए, ओढ़ने बिछाने का साधन लेना, अभी सर्दी का टाइम, सर्दी बढ़ गई है तो अपने कम से कम सामान लेना, कम से कम सामान ज्यादा लेंगे, सब खाने पीने की पूरी व्यवस्था बन जाएगी, आपको कपड़े लेना पहन लेंगे क्योंकि ट्रेन वही रुकेगी, वही नाना बना होगा, उसके बाद ट्रेन में बैठना। बधाई शुभकामना, अच्छी हो यात्रा, बधाई शुभकामना। अब सब क्या फाइनल हो गया है हमारे मोहल्ला की बहुत रहेगी।